स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक से अगर उठाती हूँ सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना वक्त की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग एक प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग ही होती है, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रॉ मटेरियल को एडिबल फूड आइटम बनाया जाता है, जैसे फ्रोजन फ्रूट्स, फ्रोजन फूड आइटम्स। इसके अंतर्गत जल्द ही खराब होने वाले और अखाद्य खाद्य संस्थानों को विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके यूजेबल, लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकने वाले भोजन या फिर बेवरेजेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यह तैयार उत्पाद की स्टोरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और साथ ही कन्वीनियंस में सुधार करता है। ये भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि इंडियन फूड सेक्टर स्केल के मामले में 5वें स्थान पर है, जो जीडीपी का लगभग 6% है, भारतीय निर्यात का 13% है और देश में समग्र इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का 6% योगदान देता है। ये फूड सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में भारत अपने कृषि उत्पाद के 10% से कम की प्रोसेसिंग कर रहा है, जो बहुत कम है, जो उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा कम है। और इस प्रकार अगर हम प्रोसेसिंग स्तर को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उपाय अवसर, इसी बीच क्या सरकार के उपाय सही दिशा में है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की वृद्धि रिटेलिंग में मांग को बढ़ावा देगी और साथ ही हेल्थ कॉन्शियस जो कंज्यूमर है उसकी भी बड़ी तादाद इसका वजह हो सकती है। इसलिए फंड्स और टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के साथ एक मजबूत क्रॉप वैल्यू चेन की आवश्यकता है। तो सवाल ये उठता है कि फूड सेक्टर में इतनी क्षमता होने के बावजूद भी क्यों फूड प्रोसेसिंग भारत जैसे देश में केवल और केवल 10% है। तो आज इसी मुद्दे के ऊपर करेंगे बात कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर। तो इससे जुड़ी आपको अपडेट पहले दे देते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अब स्थिति क्या है। ये तैयार उत्पाद की भंडारण क्षमता, स्वाद और सुविधा में सुधार करता है। सबसे पहला जानना ये बहुत जरूरी है कि फूड प्रोसेसिंग की वैल्यू क्या है। तो भारतीय फूड सेक्टर स्केल में 5वें स्थान पर है। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फूड सेक्टर जीडीपी का लगभग 6% योगदान देता है। यह भी फूड सेक्टर की बात हो रही है, यानी कि हम चावल, दाल, कुछ भी अगर हम बात कर रहे हैं तो फूड सेक्टर में भारतीय निर्यात यानी कि जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 13% योगदान जो है वो फूड सेक्टर का है। इसमें से मसाले भी आएंगे, दालें भी आएंगी और तमाम हम अगर बात करें हॉर्टिकल्चर से जुड़े फल, सब्जियां। देश में समग्र औद्योगिक निवेश की अगर बात करें तो यह भी बहुत ज्यादा है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जियों का उत्पादक है जब हम बात प्रोडक्शन की करते हैं। फिर भी केवल 2% फसल को प्रोसेस जो है किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर जब हम बात करते हैं। साथ ही विनिर्माण आधार के बावजूद भी फूड प्रोसेसिंग की क्षमता जो है वो बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। हमारे पास पोटेंशियल है लेकिन उसको यूटिलाइज जो है वह नहीं किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं। तो भारत की फूड प्रोसेसिंग की क्षमता जो है वो केवल और केवल अभी सिर्फ 10% से भी कम है, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें केवल 10% जो है अभी प्रोसेस हो रहा है। फल सब्जियों में 2% हम सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं, हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है। और साथ ही अगर हम मरीन प्रोडक्ट्स की बात करें तो वह केवल और केवल 8% प्रोसेस हो रहे हैं। तो यह एक स्थिति है जो अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। 35% दूध की फूड प्रोसेसिंग होती है और सबसे ज्यादा पेरिशेबल है, जल्द खराब होने वाली एक वस्तु है। तो साथ ही 6% पोल्ट्री की जब हम बात करते हैं वो प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि हम अगर अंडों की बात करते हैं तो केवल 6% जो है उन्हें प्रोसेस किया जाता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है। जब हम बात करते हैं मीट की तो 50% भैंसे हैं, 20% हमारे पास कैटल है। इसके बावजूद भी जब हम प्रोसेसिंग के ऊपर आते हैं तो जब हम पशुधन के अंदर बात करें तो केवल और केवल सिर्फ 1% है जिसमें वैल्यू एडेड जो है कन्वर्टिज्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो वैल्यू एडेड भी अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी फूड प्रोसेसिंग ही कहा जाएगा। तो राष्ट्रीय नीति क्या है, 2015 में सरकार की तरफ से फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को PSL में शामिल किया गया। अब इसके अंदर 2016 के अंदर फसाई के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया गया, जिसके अंदर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है इसके अंदर अप्रूवल जो है प्रोसेस लाया जाएगा, यानी कि फसाई की भी इसके अंदर 2016 के अंदर अच्छा योगदान जो है वो लाया गया। और साथ ही अगर बात करें ऋण की तो अच्छा खासा लोन जो है वो सरकार द्वारा लाया गया। अब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत 100% FDI की मंजूरी है, यानी कि अगर पूरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है तो सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है।
साथ ही MFP की बात करें तो इसमें प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना में निवेश के लिए किफायती ऋण जो है सरकार द्वारा जो है वे दिया जा रहा है। तो एक राष्ट्रीय नीति जो है नेशनल पॉलिसी जो है वे बनाई गई है। साथ ही इसके साथ 2000 करोड़ का विशेष फूड प्रोसेसिंग कोष स्थापित जो है वे किया गया है ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो सशक्त हो। अब फूड प्रोसेसिंग के अंदर राज्यों में भी नामित फूड पार्क यानी कि DFP योजना शुरू की जाएगी कुछ समय के अंदर। तो इसी बीच सवाल ये उठता है कि फूड सेक्टर की जब हम बात करते हैं, फूड प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो एक तरफ सरकार की तरफ से एक पूरी राष्ट्र नीति जो है नेशनल पॉलिसी जो है वह बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभर रहा है। कितना हमारे पास पोटेंशियल है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, कहां आज हम स्टैंड करते हैं, आज इसी मुद्दे के ऊपर होगी हमारी चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको करा देते हैं। सीमा शुक्ला हमारे साथ कंसल्टेंट फूड सेफ्टी, AK मिश्रा हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं और साथ ही प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा सीमा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सीमा जी, एक रिसर्च जब मैं कर रही थी तो नीति आयोग के द्वारा ये कहा गया कि 90,000 करोड़ जो हमारी फसल है पोस्ट हार्वेस्ट बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, ये लॉस है हमारा एस्टिमेट हर साल का। अगर हमारा फूड प्रोसेसिंग मजबूत हो तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है फार्मर्स के लिए और साथ ही फूड प्रोसेसिंग के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद पल्लवी जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है, और जो हम ये बात कर रहे हैं कि ओवरऑल वैल्यू चेन की और GDP, आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए जिससे ये बहुत पता चलता है, बहुत साफ तरीके से पता चलता है कि हमारे खाद्य के जो हमारा खाद्य उत्पाद है, जो हमारी फसल है वो हमारी है, मतलब कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए अपनी फसल को उगाने में और सबको प्रोवाइड करने में फूड। लेकिन जहां हम लैक कर रहे हैं, जहां हमारी कमजोरी है हमारे उस पे, वो आ रही है कि हम इस ये जो फसल है इसको सही पर्सन तक पहुंचाने में और इसकी वैल्यू एडिशन करके ताकि ये लंबे समय तक हमारे उपलब्ध रहे। इन दो चीजों में हम बहुत तरीके से लैक करते हैं। तो अगर मैं पहले मुद्दे पे बात करूं कि सबको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें ना खाली जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो जितनी ज्यादा करीब होंगी इन, क्योंकि क्या होता है कि ये जो जो आपका उत्पादन हो रहा है वो रूरल एरियाज में हो रहा है, गांव में हो रहा है, खेती हो रही है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो जाके शहरों में लगती है दूर, तो अब वो ट्रांसपोर्टेशन उसमें ऑलरेडी इतना लॉस होता है, वो हमारी जो सप्लाई चेन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उसको सही समय पर पहुंचा सके। दूसरा मुद्दा जो उठता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो ये ट्रांसपोर्टेशन रोड हमारे ये सब अब हो रहे, और दूसरा है जो आप बात कर रहे थे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की, जो कि जल्दी खराब होते हैं जिन्हें हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे कि हमारे फल सब्जियां, तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है कि वो समय पर पहुंचे सही जगह पे जहां पे उनकी प्रोसेसिंग हो सके, क्योंकि प्रोसेसिंग कोई खराब सब्जी को अच्छा नहीं कर देगी, वो जो अच्छी सब्जी है उसकी उसकी उस न्यूट्रिएंट्स उसकी उस शुद्धता को मेंटेन कर सकती है पर उसे सही नहीं कर सकती, इसलिए उसे सही समय पे जूस बनने के लिए, अचार बनने के लिए सही जगह पे पहुंचता है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात होती है जब हम की एनिमल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे दूध हो गया और जैसे कि हमारा फिश हो गया, हमारी मरीन प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कैटल और शीप है, इनकी प्रोसेसिंग में भी ये बहुत जरूरी है कि जिसे कहते हैं जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो रेगुलेशंस कहती है कि 6 घंटे के अंदर वो फ्रीज हो जाने चाहिए, चिल हो जाने चाहिए, तो उस तरह के चिलिंग यूनिट्स क्या हमारे पास वहाँ उपलब्ध है, क्या हमारे पास उस हाइजीन लेवल के स्लॉटर हाउसेस वहाँ पर उपलब्ध है, कहाँ पर जहाँ पे ये जो हो रही है जो ये आपकी कटिंग चॉपिंग जो स्लॉटरिंग उनकी कंडीशंस क्या है, वो सब चीजें हमारी इस वैल्यू एडिशन और इस प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती हैं। आपके पास वापस लौटूंगी सीमा जी। AK मिश्रा से मेरा सवाल रहेगा, सर जब हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की, क्या हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, क्या हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो मजबूत है, क्या डिमांड है? अगर आज हम फूड प्रोसेसिंग को अगर मजबूत करते हैं तो क्या अभी मार्केट है हमारे पास?
जी बिल्कुल, देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है अगर 1.3 बिलियन हम मान लें तो 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोग कुछ न कुछ खाना तो खाते ही थे, और अर्बनाइजेशन होने के कारण अब वो चीजें धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं कि जैसे पहले लोग रॉ फूड जो प्रोडक्ट हुआ उसको इमीडिएटली कंज्यूम कर लेते थे, अब डब्बा बंद यानी प्रोसेस करके और उसकी लाइफ को, शेल्फ लाइफ को थोड़ा बढ़ा के कि उसको 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद भी उसको यूज किया जा सके, जैसे टोमेटो सॉसेज आप देखती हैं। तो इंडिया अपने आप में दुनिया की, आप ये बोल सकते हैं कि चाइना के बाद दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो जो प्रोसेस्ड फूड है उसका ये सबसे बड़ा हब है, हब इन द टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। और एक्सपेक्टेड ये है कि 2025-26 तक डॉलर यूएस डॉलर 535 बिलियन तक ये मार्केट पहुंच जाएगी। फिर भी जो पोटेंशियल अवेलेबल है उसके हिसाब से ये बहुत कम दोहन होगा इसका, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और सिविलाइजेशन और तौर तरीके चेंज होने के कारण अब ये डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप ये देखिए अपने बचपन में हम लोग ज्यादातर चीजें जो तुरंत बनती थी तुरंत कंज्यूम करते थे, अब डब्बा बंद और ये सारे पैक्ड फूड्स, टोमेटो सॉसेज हो गए, बहुत सारी मिठाइयां हो गई, बहुत सारे, आप देखिए मिल्क पाउडर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पहले पैक्ड मिल्क हमें नहीं मिलता था, अभी अमूल उमूल की तरफ से क्या है कि 24 घंटे तक उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सका है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। और दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो भूख है यानी कि फूड को, फूड सेफ्टी, अभी देखिए गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए इतना ज्यादा त्राहिमाम हुआ था पूरी दुनिया में, तो जो रेस्ट ऑफ अदर वर्ल्ड है, अदर कंट्रीज हैं, तो एक्सपोर्ट का भी एक बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ग्रो करते हैं तो भारत अपनी सबसे बड़ी जरूरत को पूरी करेगा, उसके साथ साथ दुनिया की भी जरूरत को पूरी करेगा। जस्ट 2-3 महीने पहले रसिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा था कि पूरी दुनिया हमसे गेहूं की डिमांड कर रही थी और पूरी दुनिया की भीख हमने मिटाई थी। भारत के प्रधानमंत्री ने बोला था कि पूरी दुनिया का पेट भरने में हम सक्षम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में बोला कि प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करना, जैसे अनाज उगाना, टमाटर उगाना, फल उगाना, वो अलग चीज है, मिल्क पैदा करना, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क प्रोडक्शन में हम सबसे बड़ी कंट्री है पूरी दुनिया में, डेनमार्क वगैरह को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उसको स्टोर करके उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना और कंज्यूमर तक सेफली पहुंचाना ताकि वो 2-4 महीने के बाद भी रीयूज हो सके, ये इसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया अभी उसमें बहुत पीछे है, और शायद आपका टॉपिक भी यही है कि कैसे इन चीजों को इनहेंस किया जाए, ग्रोथ किया जाए कि ताकि हम इसमें अपनी बादशाहत कायम कर सकें। अखिल जी आपके पास आना चाहूंगी, की बात करते हैं फूड सेक्टर की, नहीं वहां पर तो हम बेहतरी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमी के लिए आने वाले समय के अंदर ही कितना महत्वपूर्ण है। देखिए पलक जी, देश की इकोनॉमी के लिए, उत्पादक की इकोनॉमी के लिए और टोटल इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए आवश्यक है कि जितने भी पक्ष हैं सबको लाभ हो। जो प्रोड्यूसर है उसको भी लाभ हो, जो प्रोसेसर है उसको भी लाभ हो, जो कंज्यूमर है उसको भी लाभ हो। देखिए वास्तविकता में हमारे यहाँ अलग अलग प्रदेशों में, जैसे अगर आप उदयपुर में राजस्थान में जाएं तो वहां पे जो शरीफा है उसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते जो बाकी देश में बिकता है। माल्टा जो पहाड़ों के अंदर होता है उसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि वो सड़कों पर गिरा रहता है, उसको उठाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो वास्तविकता जो प्रोसेसर है, जैसे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि ये प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लगे जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, और सबसे बड़ा रोल इसमें गवर्नमेंट का ये है कि अगर टैक्सेस को कम किया जाए, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि किसान, जैसे पहले पिछले कार्यक्रम में आपने बात बताई थी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उससे तुलना में अब फूड प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन का जो अनुपात है वो बढ़ रहा है, और धीरे धीरे जो हमारे कृषक हैं वो उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर उनको लाभकारी मूल्य मिलेगा, अगर उनकी इनकम बढ़ेगी, तो उनकी जो डिमांड है टोटल मार्केट में बढ़ेगी और देश की आर्थिक स्थिति उसे इंप्रूव होगी। तो इसमें जो आवश्यक है कि अगर टैक्सेस को कम किया जाए, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जाए, अगर पैकेजिंग कॉस्ट को कम किया जाए, तो देखिए आज की समस्या, अगर आप एक इकोनॉमी, एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग यूनिट्स की बॉटल की कॉस्ट की कैलकुलेशन करें तो आप ये देखेंगे कि जो उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट का एक बहुत बड़ा छोटा सा भाग है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें टैक्सेस, उसमें पैकेजिंग कॉस्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार को पूरी तरह से इसको सब्सिडाइज करना चाहिए, टैक्सेस को नील करना चाहिए,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सब्सिडी देनी चाहिए, जो यूनिट्स हैं प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे देश की अगर 60% जनता की आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और कृषक हैं उसको नहीं उसका उपयोग कर सकते, तो एक समन्वयन की आवश्यकता है और इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे पिछले कार्यक्रम में हमारे वैज्ञानिक महोदय ने बताया था कि न्यूजीलैंड का जो सेब है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि तुरंत प्रोडक्शन के बाद उसको फैक्ट्रियों के अंदर ले जाते हैं और उसके अंदर उसका पेस्टिसाइड और जितना है उसकी केमिकल चीजें हैं वो हटाई जाती हैं, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं, तो शेल्फ लाइफ बढ़े, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे, कंज्यूमर को सस्ते दाम पे मिले, अगर क्योंकि कंज्यूमर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है अगर आप विदेश में जाएं तो वहां पे जो प्रोसेस यूनिट्स का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है हमारे देश से, क्योंकि हम लोग प्राइस कॉन्शियस हैं। तो अगर ये आप चाहते हैं कि मिडिल इनकम ग्रुप में जाए, लोअर इनकम ग्रुप में जाए, जिससे उनकी हेल्थ कॉन्शियसनेस भी बढ़े, उनकी जो मेल न्यूट्रिशन है उनकी समस्या भी दूर हो, तो टैक्सेस को कम करके और प्रोसेसिंग कॉस्ट को कम करके उपयुक्त मूल्य पर अगर कंज्यूमर को प्रोडक्शन मिलेगा तो जो उत्पादक है उसको भी फायदा होगा, प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी फायदा होगा, और जो कंज्यूमर है उनको भी फायदा होगा। सीमा जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अखिल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और जब हमने डिबेट स्टार्ट करी थी तब आपने भी ये बात जो कही थी कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो होनी चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करते हैं, तो आजकल मार्केट के अंदर फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं, अगर वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट बना भी दी गई कि हमने जी स्ट्रॉबेरी को प्रोसेस कर दिया और फ्रोजन स्ट्रॉबेरी बना दी, तो क्या उसके बाद हमारा लॉजिस्टिक इतना स्ट्रांग है, क्या हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है एक मजबूत, की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो क्या इतना मजबूत है हमारे पास? जी पलक जी, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है कि खाली ग्रामीण क्षेत्र में, जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो मैं उधर ही नहीं करती हूँ, उस क्षेत्र के पूरे डेवलपमेंट करनी पड़ेगी आपको। यदि आपको फ्रोजन स्ट्रॉबेरी बनानी है तो आपको अच्छा इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए वहां पर, अगर वहां पे अच्छी रोड नेटवर्क चाहिए, पूरी फ्रोजन सप्लाई कोल्ड चेन जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, कोल्ड चेन को मेंटेन करना है आपको, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे डिलीवरी होगी रिटेल पे भी, क्योंकि अभी क्या होता है खाली रिटेल में सब्जी दिखे सुंदर सी उससे काम नहीं चलेगा, तो आपको वो पूरी की पूरी चेन, लोग जीपीएस लगाते हैं, और अभी जो मैं आपको बता एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जैसा अखिलेश जी ने भी कहा, मिश्रा जी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लगाकर उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, जो अखिल जी ये ही एक्चुअली हमारी फूड प्रोसेसिंग की ओवरऑल सक्सेस का डिपेंडेंट इसी पे होगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हम शेल्फ लाइफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से अचीव होगा? ये अचीव होता है जब हम कोई फूड एडिटिव्स डालते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो किसी प्रकार के केमिकल्स हैं जो कि रेगुलेशन, जो कि रिसर्च, जी प्रिजर्वेटिव, जो रिसर्च किए हुए हैं और जो कि डालने से, एक लेवल तक डालने से हमें नुकसान नहीं पहुंचाएं। लेकिन क्या लोग उससे ज्यादा डाल देंगे? क्या हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कितना डालना है, क्या करना है, लोग इतने अवेयर हैं? फिर दूसरा तरीका है कि अगर हम पैकेजिंग के जरिए इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, जैसे यूएचटी ट्रीटेड मिल्क, जैसे डब्बा बंद जो मिल्क कहते हैं, जो कि शेल्फ लाइफ 6 महीने है, या आप माजा पीते हैं या जो टेट्रा पैक्स में लेते हैं, तो वो एक पैकेजिंग किट, फिर उसमें कॉस्ट बढ़ती है, उसमें आपकी जिस कंडीशन में पैक होना चाहिए वो बिल्कुल स्टेरिलाइज है, समझिए जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं वैसे ही हम स्टेरिलाइज बनाने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ओवरऑल अर्बनाइजेशन और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ रही है, प्रोसेस फूड की भी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं तो सबको क्विक फूड चाहिए, सब सैटरडे संडे कुकिंग में जाना चाहते हैं, बाकी दिन जो मिले फटाफट खाओ। लेकिन उससे उसके साथ उनके साथ साथ लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ भी जा रहे हैं, साथ साथ लोग न्यूट्रिशियस फूड की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए ही वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग की तरफ देखेंगे कि ऑर्गेनिक अगर बोल रहे हैं, यानी पेस्टिसाइड्स फ्री है,
अगर हम पेस्टिसाइड फ्री बोलते हैं तो हमारा प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर या फूड प्रोडक्शन जो हमारी एग्रीकल्चरलिस्ट है उनके लिए हमें एक इनोवेटिव मेथड निकालना पड़ेगा जिससे कि वो जो हमारे इंसेक्ट जो ये इंसेक्ट्स है और ये जो हमारी फसलों को अलग तरीके की बीमारियां होती है उसके लिए हमें कोई और तरीका निकालना पड़ेगा ग्रोथ और उसका। फिर एक्सपोर्ट की भी बात करूं तो वहां पे भी फूड सेफ्टी की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वरना कोई आपका क्यों लेगा इंडिया से। इंडिया का प्रोडक्ट बहुत है लेकिन इंडिया के वो अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी है तभी वो सक्सेसफुल हो सकते। शायद आज ही हम कोई खबर पढ़ रहे थे कफ सिरप जो है बाहर किसी देश के अंदर जो है उसकी क्वालिटी के ऊपर, बहरहाल वो अलग टॉपिक है। आपके पास आना चाहूंगी मैं एके मिश्रा जी, जब हम बात करते हैं, मैम ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि एक तो इंडियन मार्केट पहले ही ऐसी है कि हम लोकल सीजनल फूड्स की तरफ जाते हैं, फिर अगर हम पैक्ड प्रोसेस्ड फूड दे भी रहे हैं तो उसके ऊपर क्वालिटी, साथ में क्या वो न्यूट्रिएंट उतना है कि नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स किस तरीके से डाल रहे हैं, हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा अभी देख रहे हैं हम हेल्थ कॉन्शियस होते हुए नजर आ रही है, तो क्या मार्केट जो है जब बनाई जाएगी तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए सीमा शुक्ला मैम ने जो बात उठाई है तो मुझे पता है उनकी तो सुपर एक्सपर्टाइज है, पढ़ाई भी एमटेक भी यहीं पे किया, जॉब भी किया है, उनकी बात जो है एकदम सही है। देखिए मैंने जहां पे टर्म एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग यूज होता है ना, तो ये टर्म अपने आप में पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें कई स्टेप होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फूड प्रोडक्ट ओरिजिनली वो खेतों में या पेड़ों पे ही पैदा होता है, उसके बाद से वो पूरा एक स्टेप सीरीज, एक पूरी सीरीज होती है जिसमें कि उसको डाल के प्रोसेस किया जाता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिब्बे में पैक होकर के मार्केट में दुकानों पे पहुंचता है और घरों में पहुंचता है जो 4-6 महीने बाद तक यूज किया जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम फूड प्रोसेसिंग में पीछे हैं तो उसके पहले सबसे पहला रीजन है सोशल, जो मैंने शुरू में बोला कि हमारी फूड हैबिट ऐसी थी कि हम रॉ मटेरियल ही यूज करते थे। टेक्नोलॉजी के कारण अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मिल्क इंडस्ट्री में ये बहुत देखने को मिलता है। तो यहाँ हर एक फील्ड में देखिए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन कहाँ पे होगा, जैसे ही कोई फूड प्रोडक्ट पैदा होता है तो सबसे पहले उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना, वहां पे भी स्पीडी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, उसका स्टोरेज हमें चाहिए तो वहां पे भी टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर उस चीज को प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाने में जो भी चीजें चाहिए, चाहे टेट्रा पैकिंग हो, फिर उसका केमिकल प्यूरिफिकेशन वगैरह या जो चीजें उसमें एडिटिव मिलाई जाती हैं वैल्यू एडिशन के लिए, जैसे आप डालडा घी में देखती हैं विटामिन ए डी एंड ई एडेड, हाँ ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर हम पीछे हैं तो हम उस लेवल पे नहीं है जो कि फॉरेन कंट्री में है, तो हमें इन्वेंशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे टेक्नोलॉजी को हम आयात करें चाहे इन्वेंट करें। ऐसा कोई बहुत खास टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंडिया के पास नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज जो ये कृषि बिल, ये अभी केंद्रीय सरकार लाई थी जिसका बड़ा विरोध हुआ, ये बड़ा दुखदायी था, उसमें देखिए सबसे ज्यादा फोकस ये था कि जो फूड प्रोडक्ट आपने बोला कि चूहे खा जाते हैं, ये बहुत सही बात है, वेस्टेज इतना ज्यादा होता है, चूहे खा जाते हैं, वो अनाज सड़ जाता है, तो उसको रोकने के लिए बहुत ही आधुनिक तरीके का जो स्टोरेज की फैसिलिटी लगाने की यहाँ पे थी, अब वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही करेंगे, किसान तो कर नहीं पाएंगे, तो वो उस चीज का विरोध हुआ जो कि गलत है। तो स्टोरेज से शुरू करके फिनिश गुड तक पूरा एक सीरीज, एक चैन होती है प्रोसेस करने की, हर प्रोसेस में उसमें वैल्यू एडिशन करके उसकी गुणवत्ता को अपने हिसाब से क्वालिटी को अपग्रेड किया जाता है ताकि वो बाहर भेजा जा सके। तो इसमें स्टोरेज भी बहुत जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत स्पीडी चाहिए, जितने भी पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध होता है, मैं गवर्नमेंट को फिर धन्यवाद बोलूंगा कि 2-3 साल पहले एक योजना शुरू की थी कि मिल्क वैन, ट्रेन की पूरी मिल्क की ट्रेन ही इन्होंने, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी इसीलिए बन रहा है। तो गवर्नमेंट 360 डिग्री पे इस चीज को कर रही है, ना केवल जो है ये इनको, इनके लिए लैब इस्टेब्लिश कर रही है, टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर रही है, जो ऋण वगैरह चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट को वो भी कर रही है, प्रमोट भी कर रही है। अगर आप अभी डाटा देखेंगे तो मैं आपको डाटा बताऊं, PMKSY इसके हिसाब से 41 मेगा फूड पार्क, 348 कोल्ड चैन प्रोजेक्ट्स, उसके बाद 68 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, 281 जो है प्रपोजल्स, ये सारे के सारे पड़े हुए हैं, ये इनका भी हब ऑल ओवर कंट्री में डेवलप किया जाएगा। जो चीज जहां पैदा, जैसे एप्पल है, अगर एप्पल पहाड़ों पे पैदा होती है तो
तो वहीं पे उसकी एक फुल फ्लैग फैक्ट्री लगाया जाए और एप्पल से रिलेटेड जितने फूड प्रोडक्ट बन सकते हैं जो पैक्ड हो सकते हैं वहीं हो सकते हैं। एके मिश्रा जी, ईज ऑफ बिजनेस बहुत जरूरी है। मैं आना चाहूंगी अखिल जी के पास। जब हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो मेरे पास एक आंकड़ा भी है। जब हम ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बढ़ तो रहा है लगातार, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोसेस होने की हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर, सिर्फ 2% जो है हम उसके अंदर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। कितना जरूरी है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोसेसिंग? जी अखिल जी, देखिए वास्तविकता में पलक जी, एक बहुत सुखद एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। पिछले 3-4 महीने के अंदर पहली बार मैंने देखा यह बॉटल्ड कोकोनट वाटर मिल रहा है और वास्तविकता में इतना अच्छा मुझे लगा। देखिए इकोनॉमिक्स की बात जो मैं कर रहा था कि कंपेयर करें, जब एक नारियल वाली से नारियल लेके आप पीते हैं और बोतल का जो ये नारियल पानी है इसको आप पीते हैं तो आपको महसूस होता है कि इतना सस्ता पड़ता है और जो प्रोड्यूसर है उसको भी डायरेक्ट कैश रिटर्न में मिलता है, उसको सीधे पैसा मिलता है और उसको मोटा पैसा मिलता है। प्रोसेसर को भी इसलिए फायदा होता है कि जो 60 रुपए का नारियल हम पीते हैं वास्तविकता में प्रोड्यूसर को 20 रुपए मिलता है, लेकिन अगर ये प्रोसेसर जो नारियल पानी निकाल रहा है वो 30 रुपए उसको देता है, कैश देता है, 10 रुपए की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, हमको 50 रुपए लीटर मिलता है, तो ये वास्तविकता में कंज्यूमर के लिए भी फायदेमंद है और तीनों पक्षों के लिए फायदेमंद। एक और चीज मैं आपको बताऊं जी, आज से 30 साल पहले फ्लोरिकल्चर के मामले में पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि नीदरलैंड्स और हॉलैंड में वहां पर जो लोग भेंट देते हैं दूसरे को तो फूल की भेंट देते हैं, कोई गिफ्ट आइटम हिंदुस्तान की तरह लोग नहीं देते हैं। तो एक हब तैयार हुआ और पूरे हर विश्व के हर देश ने कोशिश की कि अपने यहाँ कंट्रोल टेम्परेचर और मॉइस्चर के बेसिस पर यहाँ पे फ्लोरिकल्चर को बनाया जाए और हिंदुस्तान पूरी तरह से फेल हो गया उसके अंदर, जबकि इतना ज्यादा स्कोप था कि फार्मर्स को कम एरिया में बहुत ज्यादा लाभ हो सकता था। और यूपी के अंदर मैंने देखा करीब 25-30 यूनिट्स थी, लेकिन केवल कोल्ड चेन न होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन न होने की वजह से, उसको अपने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट से हॉलैंड तक पहुंचाने के लिए जो टाइम है उसको कम न कर पाने की वजह से दूसरे देशों से आगे बढ़ गए और हम लोग पीछे रह गए। वास्तविकता में गवर्नमेंट का, जैसे मिश्रा जी ने कहा, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, अगर जो उत्पादक है उसको फायदा देना है, हिंदुस्तान में इसके कंजम्पशन को बढ़ाना है तो टैक्सेस को कम करना है और गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। और अगर एक्सपोर्ट इसका बढ़ा तो किसानों की, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो देश की आर्थिक स्थिति में भीषण बदलाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर एक बार फिर चर्चा करने के लिए, क्योंकि बेहद जरूरी है। जब हम बात करते हैं किसानों को सशक्त करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ा योगदान जो है वह दे सकता है हमारे किसानों को सशक्त करने के लिए। उत्पादक तो हम हैं दूसरे नंबर पर, लेकिन फूड प्रोसेसिंग जो है उसके ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।